डी के हेल्थ चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि नए वीडियो का अपडेट आपको मिलता रहे और आपकी हेल्थ संबंधी जानकारी बढ़ती रहे इस वीडियो में बात करते हैं जोड़ों के दर्द से कैसे निजात पाए जाए क्योंकि जो जोड़ों का दर्द है एक बार अगर स्टार्ट हो जाता है तो ठीक होने में बहुत दुष्कर प्रतीत होता है बेसिकली जल्दी से ठीक नहीं होता है तो आज के पूरे वीडियो में यही यह बात है कि जोड़ों के दर्द से कैसे निजात पाए जाए और कौन से घरेलू उपाय तथा होम्योपैथिक ट्रीटमेंट लिया जाए तो देखिए जो जोड़ों का दर्द है उसका मेन रीज़न क्या है कि जो बोन होते हैं ना उसके एंड पर एपीफाइसिस पाया जाता है उसमें यूरिक एसिड के क्रिस्टल डिपॉजिट हो जाते हैं तो उसी को बाहर निकालने से दर्द में आराम पहुंचेगा। तो देखिए अदरक के औषधि गुण इसमें महारत हासिल है अदरक में अनेक औषधि गुण होने के कारण आयुर्वेद में इसे महा औषधि माना गया है यह गर्म तीक्ष्ण, भारी पाक में मधुर भूख बढ़ाने वाला पाचक चरपरा रुचिकर त्रिदोष मुक्त यानी बात पित्त और कफ नाशक होता है तो इतने औषधि गुण हैं अदरक के तो अदरक का आप यूज़ करें अब कैसे यूज करना है इसी को समझना है इस पूरे वीडियो में तो देखिए यूज़ करने का सिंपल सा तरीका है आपको कुछ विशेष उपाय नहीं करने हैं आसानी से इसका घरेलू में यूज़ कर सकते हैं तो देखिए अदरक के 200 सौ एम रस में 100 एम तिल या सरसों का तेल मिलाकर गर्म करें जब रस जल जाए केवल तेल बचे तब उतार कर ठंडा करें और बोतल में भर के रख लें सुबह शाम मालिश करें जिन भी जोड़ों पर दर्द हो रहा है देखिए आश्चर्यजनक तरीके से आराम मिलेगा इसको आप ज़रूर करें और दूसरा है दस ग्राम सोंठ को 100 एम पानी में उबालें लगभग पाँच मिनट फिर ठंडा करके छान लें और एक चम्मच शहद मिलाकर पिएं पिएँ गठिया बाद रोग ठीक हो जाएगा तो देखिए दरअसल अदरक के अंदर ऐसे केमिकल मटेरियल हैं जो कि मोनोसोडियम यूरेट जो यूरिक एसिड होता है उसको बाहर निकालते हैं तो देखिए एक चम्मच अदरक का रस रोज़ सुबह पिएँ एक कप पानी में डालकर जोड़ों में जमा यूरिक एसिड बाहर निकलेगा और गठिया बात रोग ठीक हो जाएगा तो देखिए गठिया बात रोग बहुत आसानी से ठीक किया जा सकता है घबराने की कोई बात नहीं और आपको पेन किलर भी नहीं खाना होगा और होम्योपैथिक मेडिसिन की अगर बात किया जाए तो देखिए यहाँ पे जो भी घरेलू उपाय बताए गए उसमें से एक या दो टाइप के करें संभव हो तो दो टाइप के अन्यथा कोई एक उपाय ज़रूर करें और उसके साथ साथ एक तीन होम्योपैथिक दवा लें आपको आश्चर्य तरीके से आराम मिलेगा तो पहला दवा है बेंजोइक एसिड क्यू मदर टिंचर है डेली पंद्रह बूंद एक कप पानी में डालकर तीन टाइम लेना है और दूसरी दवा है कोलचिकम थर्टी पावर की डेली दोपहर दोपहर सॉरी डेली सुबह और शाम दो बूंद जीप पर लेना है और तीसरी दवा है रस्ताक्स थर्टी डेली दोपहर और रात को दो बूंद जीप पर